जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यदि आप भी दोस्तों बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि दोस्तों 11th में नामांकन लेना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वक्त की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सबसे बड़ी आप सभी छात्र छात्रों के लिए खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी ही राहत की बात है, बड़ी ही खुशखबरी की बात है। इतिहास में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आप सभी छात्र छात्रों के हित में जो फैसला लिए गए हैं, तो क्या बड़ी खुशखबरी है, क्या बड़ी जो राहत की बात है आप सभी छात्र छात्रों के जो हित में फैसला लिया गया है, फटाफट दोस्तों लेते हैं पूरी जानकारी, तो वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी को दोस्तों पता होनी चाहिए कि इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है और यहां पे दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 28 जून 2020 को जो है लास्ट डेट रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है बड़ी अपडेट, क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस वीडियो में, लेते हैं पूरी जानकारी, तो वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज ही के डेट में अभी भी तुरंत यहां पे दोस्तों हिंदुस्तान की ओर से अपडेट किया गया है। साफ साफ यहां पे दोस्तों लिखता है कि आप सभी छात्र छात्रों के लिए बड़े ही खुशखबरी यहां पे दोस्तों दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। लिखता है कि इंटर एडमिशन आगे दोस्तों लिखता है कि केवल बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगी ये सुविधा, ऑनलाइन आवेदन शुरू, 28 जून है आखिरी तारीख। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी ही जो सुविधा मिली आप सभी छात्र छात्रों को, जो भी तमाम छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं और यहाँ पे दोस्तों इंटर यानी कि दोस्तों 11th में नामांकन लेना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि 28 जून लास्ट डेट है, तो आराम से दोस्तों आप लोग 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन करा लीजिए, जो भी स्कूल कॉलेज अपना नामांकन लेना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा समय दीजिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या बताया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। साफ साफ दोस्तों लिख के बता दिया है कि इंटर दाखिला के लिए आवेदन यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भरने में बिहार बोर्ड के छात्रों को केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड भरना होगा। बड़े ही जो राहत की बात है, बड़े ही खुशखबरी की बात है। आगे दोस्तों लिखता है कि इसके बाद आवेदन यहाँ पे पर छात्रों के मैट्रिक के अंक खुद ही जो है अपलोड हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बड़ा जो कदम उठाया गया है, इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है आप सभी छात्र छात्राओं के हित में। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सिर्फ अपना रोल कोड रोल नंबर देना है और यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक सारा कुछ फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों क्या लिखता है कि बिहार बोर्ड ने अपने छात्रों को यह सुविधा फॉर्म भरने में यहाँ पे दोस्तों दी है। वहीं पे दोस्तों आगे लिखता है कि CBSE और ICSE के यहाँ पे अलावा अन्य बोर्ड के छात्रों को सारी जानकारी जो आपको बता दें कि फॉर्म में भरनी होगी। ये सुविधा जो बिहार बोर्ड के छात्र छात्रों को ही मिली है, एक बड़ी ही जो राहत की बात है, एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखता है कि ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड द्वारा शनिवार से ऑनलाइन यहाँ पे दोस्तों आवेदन भरना जो है शुरू कर दिया गया है। आगे लिखता है कि आवेदन शनिवार को देर शाम यहाँ पे दोस्तों शुरू हुआ है और बिहार बोर्ड के OFSS वेबसाइट पर छात्रों के लिंक डाल दिया गया था और लिंक देने के बाद यहाँ पे दोस्तों छात्रों ने इंटर दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है। आगे दोस्तों लिखता है कि पहले दिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम जो छात्रों ने आवेदन किया है। बोर्ड की माने तो रविवार और सोमवार से आवेदन में तेजी यहाँ पे दोस्तों आएगी। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि 28 जून तक यहाँ पे भरा जाना है। आगे दोस्तों लिखता है कि यहाँ पे दोस्तों वही CBSE और ICSE के छात्रों को 11वीं में ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दोस्तों करने का मौका जुलाई में 10वीं के रिजल्ट के बाद ही दिया जाएगा। वही पे दोस्तों इसके बाद ही जो है बोर्ड मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और प्रथम जो चयन सूची जारी करेगा। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ बता दिया है कि प्रथम चयन सूची की बात करें दोस्तों आपको जुलाई में जारी किए जाएंगे और जो भी तमाम छात्र एवं छात्राएं ग्रेजुएशन से पास हुए हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 2,18,000 छात्र छात्रों को मौका मिला है यहाँ पे दोस्तों 11th में नामांकन ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सुविधा के लिए जो आपको बता दें कि PDF ही साइट पर जो है PDF जो जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आप सभी छात्र छात्रों के हित में किया गया, आप लोग उसे जाके पढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी देख सकते कि प्रथम चयन सूची जारी होने के बाद नामांकन, यानी कि दोस्तों पहले तो अभी जो हो रहा है, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको, ठीक है, कुछ दिनों के बाद यानी कि दोस्तों जुलाई के यहाँ पे दोस्तों माना जाए तो जुलाई महीने में आपको प्रथम चयन यानी कि दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, जो भी तमाम छात्र और छात्राएं का नाम आएंगे यहाँ पे दोस्तों सभी का जो है एडमिशन होंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में आते हैं डॉट्स, तो डॉट नोट के साथ करो आउट, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या फिर CBSE बोर्ड UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर कोई भी बोर्ड का हो या फिर क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, IIT, GMS, एडवांस या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नॉट ऐप पे। साथ ही चल रही है इंडिया के नंबर 1 फ्री वीडियो डेली लाइव क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी इस कोर्स का हिस्सा बने, आज ही डाउनलोड करें डॉट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो दोस्तों हम इस वीडियो में जाने दो ही तो हम छात्र व छात्राएं बिहार बोर्ड से यहाँ पे दोस्तों 11th यानी कि दोस्तों इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ही जो खुशखबरी की बात है, बड़ी ही राहत की बात है। सभी छात्र छात्रों के लिए बड़ी जो सुविधा दिया गया है, जो भी तमाम छात्र व छात्राएं एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ आपको दोस्तों रोल को रोल और फिलअप करना है। आपको सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बड़ी जो है राहत खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जुलाई के महीने में आपको फर्स्ट मेरिट जारी किए जाएंगे। वहीं पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एक बच्चे को यहाँ पे दोस्तों 350 रुपए जो एप्लीकेशन फी रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू है, 28 जून लास्ट डेट रखा गया है, तो फटाफट ऑनलाइन आवेदन कीजिए। बड़ी जो खुशखबरी की बात है, बड़ी राहत की बात है। तो इस वीडियो में था इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी अपडेट आप तक इसी तरह पहुंच सकेगा सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।